बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब आप बाखैरियत होंगे। आज दोस्तों मैं आपके लिए 7 mm की राइफ़ल लेके हाजिर हुआ हूँ। ये देखने में AK-47 की तरह है, क्लाशनकोफ की तरह है, लेकिन ये है 7 mm और पाकिस्तान मेड राइफ़ल है। और ये दरे की बनी हुई राइफ़ल है और पुरानी राइफ़ल है और अच्छी राइफलों में शुमार किया जा सकता है कि बहुत अच्छी फायर करने के अंदर। दोस्तों मैं फायर तो नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास फायर की जगह नहीं है इस टाइम पे। मुझे कुछ दोस्तों ने अपने कमेंट्स में ये बोला था जी कि आप 7 mm राइफ़ल की क्लीनिंग के ऊपर एक वीडियो अपलोड करें, तो ये उनके उस कमेंट्स के जवाब में ये वीडियो बना रहा हूँ जी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद ना आए तो बेशक आप इसको डिसलाइक कीजिएगा। और जो नए दोस्त आ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है वो सब्सक्राइब कर लें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि आज मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मैं आपके साथ ये बात शेयर कर दूँ कि वो 30,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझ पर ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके मयार पर पूरा उतरूं, कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी क्लीनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो उनको पहले देख लेते हैं जी। आपको सबसे पहले इसके लिए जो क्लीनिंग के लिए चाहिए होगा, ये मैं WD-40 इस्तेमाल करता हूँ इसलिए कि ये रस्ट रिमूवर है और ये जंग को ख़त्म करता है। दूसरा जो है ये आपको जब इससे सफाई करके, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे ये खुश्क आयल होता है, ये लुब्रिकेंट नहीं है, ये तर नहीं रखता, ये लुब्रिकेट आयल है जो उसके बाद इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इसका जो चैम्बर है, जो बोर है, उसको साफ़ करने के लिए जहाँ पे गोली बैठती है उसको चैम्बर कहा जाता है जी, उसको साफ़ करने के लिए एक ब्रश बहुत ज़रूरी है। और बैरल को साफ़ करने के लिए एक राड जिसके अंदर ये चिंदी ये कपड़ा होता है, ये बहुत नरम कपड़ा होता है, ये सख्त नहीं होता, तो इसको चिंदी कहा जाता है और फिर आम में ये आपको इसके लिए चाहिए होगा। और एक आध स्क्रू ड्राइवर साथ रख लेते हैं कि किसी टाइम पे कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो परेशानी ना हो। और उसके अलावा एक साफ़ कपड़ा जिससे अपने हाथ आप साफ़ कर सकें क्लीनिंग के दौरान या क्लीनिंग के बाद, ये चीज़ें आपने अपने पास रखनी है जी। तो चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले इसका ये बटन प्रेस करके, इसका बटन प्रेस कर इसकी फोल्डिंग खोल लेते हैं जी। ये जैसे ही इसकी फोल्डिंग खुल जाएगी जी, तो ये इधर रुक गया, इसको सीधा कर लिया जी। और इसको सबसे पहले इसकी मैगज़ीन को ओपन करते हैं जी। ये मैगज़ीन उतार के लेदर रख दी और उसके बाद इसका चैम्बर चेक करना है। दोस्तों राइफ़ल का चैम्बर चेक करने के लिए अगर आप राइट हैंडर हैं फिर तो आपने इसका यहाँ से हाथ रखना है और इसके बोल्ट को आपने ये राइट हैंड से पीछे करके ये देख लेना है कि इसके अंदर गोली तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कभी भी कोई भी असला, कोई भी वेपन अपने हाथ में लें तो उसका चैम्बर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और जब अगर इसको ग्रिप करते हैं तो इसका आपकी उंगली ट्रिगर एरिया से बाहर होनी चाहिए, ना कि ट्रिगर के ऊपर। देखा गया है तकरीबन 80% लोगों को मैंने खुद देखा है जी कि वो जैसे ही कोई पिस्टल है, बंदूक है, राइफ़ल है हाथ में लेंगे तो सबसे पहले अपनी उंगली ट्रिगर पे रखते हैं। ये ना कीजिएगा, ये हादसे का सबब बन सकता है। तो अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो फिर आप अपनी यहाँ पे ग्रिप कर सकते हैं, लेकिन उंगली जो है वो आपको बाहर रखनी है जी। यहाँ से ग्रिप करके आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसका दोस्तों ये देखने में जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये बिल्कुल सेम AK-47 है, क्लाशनकोफ है, बिल्कुल इसकी आउटलुक वही है, हर चीज़ वही है, सिर्फ इसके जो लॉक है, लॉक में भी 3 स्टेप हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सेफ्टी है और यहाँ पे ये जो क्लाशनकोफ है वो ऑटो होती है, फुली ऑटो होती है, तो यहाँ पर वो
برسٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ وہ سنگل ہو جاتی ہے، جبکہ اس کا اس کے اندر برسٹ کوئی بھی نہیں ہے، یہ سادی سنگل رائفل ہے جی، اور درا کی بنی ہوئی رائفل ہے، اور جس طرح کہ یہ آگے چل کے اس پہ بات بھی کریں گے جی، اس کا جو ٹاپ کور ہے یہ اس کا یہ پیچھے سے ایک یہ بٹن سا باہر نکلا ہوا ہے جی، یہ اصل میں بٹن نہیں ہوتا، یہ ریکائل سپرنگ کا حصہ ہوتا ہے، راڈ کا حصہ ہوتا ہے، یہ دیکھیے اس کو آگے پریس کیا اور اس نے یہ کور آپ نے اتار لیا جی، اور یہ ریکائل راڈ آپ کے سامنے آ گیا جو باہر سے ویسے بٹن نظر آ رہا تھا جی، تو اس کو آگے کی طرف پریس کر کے آپ نے اس کو نکال لینا ہے جی۔ یہ دوستو جب بھی آپ کے پاس سیمی آٹومیٹک رائفل کوئی بھی ہے، آپ جب بھی اس کا ریکائل سپرنگ وغیرہ اور یہ راڈ نکالیں تو کوشش یہ کیجئے کہ اس سپرنگ کو پیچھے کی طرف کبھی بھی نہ کریں اس حالت میں، کیونکہ اس کے آگے یہ لاک لگا ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کو پیچھے کیا اور یہ لاک فری ہو گیا گر گیا تو یہ آپ کو پھر ملے گا نہیں، بہت مشکل سے ملے گا، تو آپ کا آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ اب اگر اس کو میں یہاں کرتا ہوں، یہاں پہ گھاس ہے، اگر یہ گم جاتا ہے تو میرے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، تو یہ اس کو آپ بھی نہیں کریں گے، میں بھی نہیں کر رہا جی، ایز اٹ از اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اب اس کی یہ بولٹ ہے، اس کو یہاں بولٹ کو لا کے لاسٹ میں یہ دیکھیے، یہ بولٹ اگر یہاں پہ بھی آئے گا تو یہاں سے باہر نہیں نکلے گا، یہ دوستو یہ آخر میں اس کا کٹ لگا ہوتا ہے اس کی باڈی کے اندر، جہاں سے یہ آپ نے کیا اور یہاں سے یہ بولٹ آرام سے باہر آ جائے گا۔ اور دوستو اس کے یہ دیکھیے، یہ چھوٹا بولٹ ہوتا ہے، اس کو چھوٹا بولٹ کہا جاتا ہے، جس کے اندر فائر پین ہوتی ہے، ایکسٹریکٹر ہوتا ہے، اور جس طریقے سے AK-47 کے اندر جو فائر پین ہے اس کے اندر سپرنگ نہیں ہوتا، اسی طرح اس کے اندر بھی سپرنگ نہیں ہوتا، یہ فری ہوتا ہے۔ یہ اس کو ہم نے یہاں پہ رکھ لیا۔ اب یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو سیمی آٹومیٹک رائفل ہے اس کے اندر دو بولٹ ہوتے ہیں، ایک چھوٹا بولٹ ہے اور ایک بڑا بولٹ ہے۔ دوستو اس کا یہ ہیمبر ہے، اچھا اس کا جو سسٹم ہوتا ہے، اب اگر میں اس کا یہ دیکھیے، یہ اس کا ہیمر ہے، یہ ہیمر اس وقت اس کا کلر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا گولڈن کلر ہوا ہے، یہ دیکھنے میں یہ گولڈن ہے، یہ گولڈن، یہ فل ٹیمپرڈ ہے، یہ سخت کیا گیا ہے کہ اس کے اندر اگر ریتی بھی اگر استعمال کریں گے تو ریتی سلپ کر جائے گی، اس کو اس کی کٹائی نہیں کرے گی، اتنا یہ ہارڈ کیا گیا ہے، اس کا ہارڈ کرنے کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے کسی ویپن میں، لوکل ویپن میں، اگر کبھی کوئی پارٹ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کلر بلیک نہیں ہے، تھوڑا گولڈن ہے، تھوڑا چینج ہے، بلیکش نہیں ہے ٹوٹل، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیمپرڈ پارٹ ہو۔ دوستو سب سے پہلے اس کا ہم چلیں گے، یہ اس کا ٹاپ کور اتارتے ہیں، یہ اس کا یہ دیکھیے، اس کو گھما لیا، یہ اس کو ایک برابر کیا اور اس کو ہم نے یہ نکال لیا۔ اس کے اندر اصل میں اس بولٹ کے اس راڈ نے چلنا ہوتا ہے، اور یہ جو راڈ ہے جی، راڈ یہاں تک جاتا ہے اندر تک، یہاں پہ اس کے دو سوراخ ہوتے ہیں، کسی کا ایک ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، یہ جو سوراخ ہوتا ہے جب گولی آپ کی یہاں سے ٹریول کر کے جب یہاں سے یہاں پہنچتی ہے تو یہ گیس بن جاتی ہے، اتنا زیادہ پریشر ہو جاتا ہے، اس گیس کو ریلیز کی جگہ چاہیے، تو یہ یہاں سے بیرل کے اندر جو سوراخ ہے اس سوراخ میں سے یہاں سے وہ گیس باہر نکلتی ہے، اور یہ جو بولٹ ہے جی، بولٹ یہاں پہ ہوتا ہے اس کے، تو وہ گیس اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر وہ گیس اپنا دباؤ ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا جو اس کا بولٹ ہے، یہ بولٹ بیک پہ جاتا ہے، جب بیک پہ جاتا ہے تو آپ کا خالی خول باہر ایجیکٹ ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ یہ اگر کسی کی رائفل کے اندر ایجیکشن پرابلم ہو کہ کارتوس آپ فائر کرتے ہیں کھوکھا نہیں نکل رہا، تو آپ سب سے پہلے یہ اس سوراخ کو ضرور چیک کر لیجئے کہ یہ کہیں بند تو نہیں ہو گیا، اگر یہ بند ہے تو آپ نے اس کو سٹیل کی تار نہیں،
कोई कील इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने लकड़ी की तीली लेकर उसको आपने उसको साफ़ करना है कि ताकि वो सुराख अपने खुल जाए। वो अगर खुल जाएगा तो इंशाल्लाह आपकी राइफ़ल खोखा नहीं रोकेगी। अगर उसके बावजूद खोखा रोकती है तो फिर हो सकता है आपका जो एक्सट्रैक्टर है ये इसका स्प्रिंग कमज़ोर हो गया हो, तो आप इसको भी चेक कर दें कि ये ज़्यादा लूज़ तो नहीं है। अगर ये भी ठीक है और उसके बावजूद सुराख भी ठीक है और एक्सट्रैक्टर भी ठीक है, अगर उसके बावजूद खाली खोल नहीं निकाल रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये जो चैम्बर है, चैम्बर इसके अंदर हो सकता है कोई खड्डे पड़ गए हों रस्ट की वजह से, जो आपने सही क्लीनिंग टाइम पे ना की हो उसकी वजह से, तो फिर इसको पॉलिश करवाना ज़रूरी है। ये आप ख़ुद नहीं कर सकेंगे, ये आपको मैकेनिक के पास ही लेके जानी पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी अब क्लीनिंग के लिए बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए ये मेरे पास WD-40 है, मैंने सबसे पहले इसके ये देखिए चैम्बर में भी और इसके बाकी मैकेनिज्म में मैं ये स्प्रे कर देता हूँ। दोस्तों देखिए ये जितनी भी ये देखिए ये जो ऑयलिंग की है WD-40 मैंने स्प्रे कर दी है, होता ये है कि जैसे ही इसको स्प्रे किया जाता है, स्प्रे करने के साथ ही सबसे पहला काम जो करते हैं जी वो ये होता है कि भी कपड़ा लेके इसको सफाई शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अगर फौरी तौर पे आप कपड़ा लेके इसकी सफाई शुरू कर देंगे तो फिर इसका मतलब है कि आपने WD-40 जो इसको स्प्रे किया है, जो लगाया है, वो आपने सिर्फ ज़ाया किया है, उसको अपना काम नहीं करने दिया गया। दोस्तों इसको जब भी आप स्प्रे करें तो इसको कम से कम 8 से 10 मिनट दें, 8 से 10 मिनट इसको छोड़ दें, ताकि ये आयल वो जो रस्ट है जो भी इसके अंदर सफाई जो जो चीज़ चाहिए, अगर कोई ग्रीस सख्त हुई हुई है या कुछ भी है, तो उसको ये नरम कर सके, उसकी जड़ों तक पहुंच सके। अगर फौरी तौर पे कपड़ा लेके अगर स्प्रे करने के साथ ही अगर इसको साफ़ करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये स्प्रे किए ही नहीं है और आपकी सफाई नहीं होगी। फिर इंसान परेशान होता है कि भाई मैंने WD-40 भी स्प्रे कर लिया, या इससे अच्छे अच्छे भी ऑयल आते हैं, अमेरिकन ऑयल आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वो हमें फिजिबल नहीं पड़ते। बस दोस्त मुझसे पूछते भी हैं कि कौन सा हमें अपने वेपन पे ऑयल लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो पाकिस्तान में जो ऑयल मिलता है ये बुनियादी तौर पे ये कोरिया से आता है, ये D69 इसका नंबर होता है इस ऑयल का, ये लुब्रिकेट ऑयल होता है, ये लोकल ऑयल नहीं होता। आप किसी भी आर्म्स की दुकान से लेंगे तो वो आपको कोरिया का ऑयल ही मिलेगा वहाँ पे ज़्यादातर अक्सर, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें अगर आप इम्पोर्टेड ऑयल लेना चाहते हैं अमेरिकन वगैरह, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, होप्स वगैरह का आता है। तो दोस्तों अभी मैंने सिर्फ आपको सामने रखना है मुझे, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई तो दोस्त नाराज़ होते हैं कि जी आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं, आप वीडियो शॉर्ट बनाया करें, तो इसलिए मुझे सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये करना पड़ रहा है जी जल्दी। ये देखिए ये ब्रश है, इसके ऊपर मैंने कपड़ा लपेटा हुआ है और इसको मैंने ये देखिए ये चैम्बर है इसका, ये जहाँ पे जाके आपकी गोली लोड जब करते हैं, जहाँ पे गोली बैठती है और गोली जब फायर होती है, इस चैम्बर पॉलिश और साफ़ होने की वजह से ही आपका खोखा इजीली बाहर इजेक्ट होता है। अगर ये साफ़ नहीं होगा तो ये इजेक्शन में प्रॉब्लम करेगा। एक तो ये हो गया जी, आपने ये करना है। आप मैं आपको ये जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ जी कि आपको ये, आप बहुत समझदार भाई दोस्त हैं मेरे, आप खुद समझ गए होंगे कि भाई हमने टाइम देना है अपने वेपन को। ये कर लिया जी, अब हमने इसको जो ये इसको साफ़ कर लेते हैं जी। और अगर फ़र्ज़ किया ये आपका अगर सही साफ़ नहीं है तो ब्रश है आपके पास, आप ब्रश से इसको अंदर से भी साफ़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी,
ये देखिए जी दोस्तों, ये राइफ़ल, अच्छी राइफ़ल जो पाकिस्तान मेड राइफ़ल है, ये आपको इस वक्त मार्केट में 30 से 35 हज़ार रुपए में अच्छी राइफ़ल मिल जाती है। और कोशिश करें जब भी आप कोई वेपन ख़रीदें, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप वो वेपन लें जिसके ऊपर कंपनी की स्टैंप हो, ताकि आपको पता चले कि मैं कंपनी की चीज़ ले रहा हूँ। कल अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस कंपनी से रابطہ कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा बोल्ट हम लगाते हैं, इसको ही लगाते हैं, इसको फिर यहाँ से घुमा के इसको यहाँ पे आ जाएगा। और उसके साथ ही इसका टॉप कवर भी साफ़ करते हैं जी। ये आपने टाइम दे के इसको साफ़ करना है जी, मैं तो ज़रा जल्दी कर रहा हूँ कि ताकि वीडियो लंबी ना हो और फिर दोस्त नाराज़ ना हो। ये देखिए, ये इधर से आपने जब भी राड डालना है तो राड इस साइड से डालना है, उस साइड से नहीं डालना। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये सुराख, इसका जो बोर है वो तंग है। अगर आपका कपड़ा राड में ज़्यादा लगा लिया तो यहीं से अंदर नहीं जाएगा, तो या आप बाहर निकाल सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से राड डाल दिया, यहाँ से चैम्बर है, ये खुली जगह होती है, ये अंदर चला जाता है, फिर जब अंदर चला जाएगा तो आगे वो जाएगा नहीं, आप ज़ोर लगाएंगे तो इसके अंदर ग्रूव्स होते हैं, गहरे ग्रूव्स होते हैं, तो ये फिर पीछे भी नहीं आता। अगर बाज़ भाई जो पुल थ्रू इस्तेमाल करते हैं, डोरी वाला वो करते हैं, तो वो अक्सर कपड़ा टाइट होने की वजह से वो टूट जाता है, तो फिर वो परेशान होते हैं, फिर उनको अपने गांव से, अपने इलाके से फिर शहर में आप मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, फिर अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फिर उसको वो निकालवाना पड़ता है। तो आप जब भी करें तो इस साइड से आप डालें, तो ये आपका ये बिल्कुल इसका साफ़ हो गया जी। अब हमने इसको फिट करना है जी। सबसे पहले हम इसका ये हिस्सा फिट करते हैं, इसको मैं WD-40 से कर नहीं सका, लेकिन मैं आपको ये अभी, अच्छा दोस्तों ये जब भी करेंगे, ये देखिए, ये आपको ये जो इसको बराबर करना है, इसको इस जगह को आपने बराबर करना है, इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको जब बराबर होगा तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल, और ये इसका लॉक है, और इसको नीचे कर दिया आपने और ये टाइट हो गया अपनी जगह पे। अब हमने ये करना है, इसको बंद करने से पहले ये इसके जो स्प्रिंग्स हैं, ये देखिए इसके जो, इसको हमने ये ऑयल करना है जी, एक एक दो दो ड्रॉप इसमें ऑयल डाल देना है। और इसकी फोल्डिंग का स्प्रिंग है, उसमें भी ऑयल डाल दिया जी। और अब हमने इसमें ये इसके अंदर ऑयल एक ड्रॉप डाल दिया जी, फायरिंग पिन और एक्सट्रैक्टर का जो स्प्रिंग है, एक्सट्रैक्टर का स्प्रिंग उस तक पहुंच सके। और फिर इसी तरह ये यहाँ से बैक पे इसको बिठाना है और इसको आगे कर दिया जी। और अगर ये आपका जो स्प्रिंग है, रिकाइल स्प्रिंग है, आप इसको आप साफ़ कर सकते हैं, आप ब्रश से साफ़ कर सकते हैं इसको। और उसके बाद आप जब इसको यहाँ पर आपने लगा दिया जी, ये इसके अंदर यहाँ रख के, और उसके बाद आपने ये थोड़ा थोड़ा ये ऑयल जो है ये आप इसको कर दें जी, और इसको आगे की तरफ प्रेस करके इसको फिट हो गई। और इसको इसका मतलब है ये राइफ़ल फिट हो गई। अब इसका टॉप कवर, टॉप कवर दोस्तों ज़रा मुश्किल होता है बाज़ भाइयों से। ये देखिए इसके अंदर ये एक, मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये देखिए ये कट लगा हुआ है, ये गोल कट है, ये गोल कट के अंदर इसका कवर आपने बिठाना है। ये बिठाने के बाद इस कवर को आगे की तरफ प्रेस करके रखना है। इसको अक्सर दोस्त क्या करते हैं, जब इसको लगाते हैं तो वो जब इस तरह करते हैं तो ये आगे से फिर निकल जाता है, तो ये इसको आपने आगे की तरफ प्रेस करना है। और इसको अगर बंद करना है तो आगे की तरफ, ये देखिए मैं अंगूठे से आगे की तरफ किया है और ये बैठ गया है। अगर अंगूठे से नहीं बैठ रही तो कोई बात नहीं, आपने इसको आगे करना है और इसको यहाँ पे रख के ये आपने मुक्का मार के इसको आगे कर दिया।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह। मुझे दोस्तों कोई चीज़ रह गई हो तो अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। और चलते चलते आप सब से यही दरख्वास्त है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।